हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसी टेस्टी सी रेसिपी या नाश्ता कह लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बच्चों बड़ों सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में इस तरह का नाश्ता खाना सबको ही पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिए हैं 1 कप मखाने। इसको मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल करके ऐसे ड्राई रोस्ट थोड़ा सा कर लिया है। इनको मैंने थोड़ा क्रंची होने तक मखानों को हम भून करके ले लेंगे। ये जो भी रेसिपी हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। फिर उसी बर्तन में मैंने डाल दिया है देसी घी 1 बड़ा चम्मच और यहाँ पर मैंने 1 कप दलिया, जिसको वीट क्रैक्स भी बोलते हैं या जिसको लपसी भी बोला जाता है, इसको कई जगह पे अलग अलग नामों से बोला जाता है लेकिन दलिया इसको हर जगह ही कहा जाता है, इसको मैंने धो करके अच्छे से ले लिया है और घी में इसको डाल करके हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। दलिया मार्केट में 2 तरह का मिलता है, एक बारीक वाला एक मोटा वाला। आप कभी भी जैसा आपको पसंद हो, मीठा अगर नमकीन बनाना है, जैसे भी बनाना है, आप ये मीडियम साइज़ का जो दलिया मिलता है मोटा वाला यही वाला लेकर के आएँ। बारीक वाला दलिया बहुत छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने दलिया को घी के साथ थोड़ा भून लिया है ताकि घी की उस पर अच्छी से थोड़ी ये कोटिंग बन जाए। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें 1 लीटर दूध। ये मेरा पहले से उबला हुआ दूध है, आप चाहें तो यहाँ कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से स्पैचुला से दलिया को हम तले से छुड़ा लेंगे, तो ज़रा भी दलिया अगर चिपका रह जाएगा तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पर हम दूध को ढक कर रख देते हैं उबलने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट लिया है। आप चाहें तो इनका पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इनको इसी तरह से मिक्सर में पल्स मोड पर इस तरह से देखिए दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है और नहीं तो इसका तेल छूटने लगता है। तो यहाँ पर देखिए दलिया हमारा अच्छे से उबलने लगा है दूध इसका, और इसको हम पहले एक बार चला लेते हैं। दलिये का हमको चलाने का बहुत ध्यान रखना है, अगर ये तले में चिपक गया तो ये जल जाएगा और पूरा टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स अपने जो ये हमने बारीक बारीक कट करके रखे हैं, या कह लीजिए कि हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा ग्राइंड कर लिया है हल्का सा, इनको हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, आप अगर इसमें से हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी किशमिश भी डाल दी है। और आप जो भी ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप पीस करके इस तरह से दलिया में डाल करके खिला देंगे तो ये बहुत ही आसानी से वो खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगा करके रख दीजिए, सुबह सबको मिक्सर में पीस करके और फिर इस दूध में या दलिया में आप डाल करके ऐड करके बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को इस तरह से ड्राई फ्रूट खिलाने का। ये आप दलिया कह लीजिए या दलिये की खीर कह लीजिए, ये सुबह सुबह गर्मियों में इस तरह का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है बिना तेल मसाले का। और टेस्टी सा ये हेल्दी सा दलिया हम बना करके आज इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही यम्मी लगता है और बच्चों का बड़ों का ये बहुत ही फेवरेट बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा दूध डाला है, आप चाहें तो इसमें दूध के साथ थोड़ा पानी मिला के भी बना सकते हैं लेकिन अगर हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम दूध में ही इसको क्यों ना बनाएं। यहाँ पर मैंने थोड़े से डाल दिए केसर के धागे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने इसको डाल दिया है। फिर हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। हमें दलिया को चलाने का बहुत ध्यान देना है, इसको बाद थोड़ी थोड़ी देर में हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में लग भी सकता है और फिर पूरा ही दलिया का टेस्ट ही ख़राब कर देगा। तो इस तरह से देखिए हम बार बार चलाते चलाते थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि साथ में ये भी पक जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ताकि बच्चों को या घर में अगर बुज़ुर्ग हैं जिनको चबाने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये बहुत ही ईजी वे है। 1 कटोरी अगर सुबह सुबह खा लेंगे आपको दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इसको ढक करके थोड़ा हम पकने देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़, ये गाँव का गुड़ है, देसी गुड़ है, ये इस तरह से थोड़ा ब्राउन सा दिख रहा है। आजकल तो मार्केट में भी ऐसा गुड़ मिलने लगा है लेकिन ये हमारे गांव का गुड़ है। तो इस दलिया में हम मिठास के लिए चीनी नहीं डालेंगे, इस गुड़ का ही यूज़ करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा बारीक कट कर लेती हूँ ताकि ये गलने में ज़्यादा टाइम ना ले। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दलिया देखिए ऑलमोस्ट हमारा पक गया है, दलिया हमारा गाढ़ा भी हो गया है, दूध पूरा दलिया ने ऑब्जर्व कर लिया है और अच्छे से दलिया पक करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि गर्म दूध में अगर आप यहाँ पर
गुड़ डालेंगे तो कई बार दूध फट जाता है, इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ा 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर ये गुड़ इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चला करके थोड़ी देर के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे, ताकि अभी थोड़ा दूध गर्म ही है तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन नहीं करेंगे और इस गुड़ को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गुड़ डाला है। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा बिना चीनी के, बिना किसी तेल मसाले के बहुत टेस्टी हेल्दी सा हमने गुड़ वाला दलिया बना करके रेडी किया है। सुबह सुबह आप अगर एक कटोरी इसको खा लेंगे, अपने बच्चों को खिला देंगे तो अच्छे से ये पेट भर जाता है और दोपहर तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो बॉडी को हमारे नुकसान करे, सब चीज़ें हमने इसमें हेल्दी ही यूज़ की है। यहाँ तक कि मिठास के लिए हमने चीनी ना यूज़ करके यहाँ पर हमने गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो देसी खांड या मिश्री भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये गुड़ वाले दलिये की रेसिपी कैसी लगी। तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी सी एक डिश बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।